अभी हाल ही में बॉलीवुड के चर्चित 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी कई फिल्मों और सितारों ने इस खास पुरस्कार को हासिल कर खूब सुर्खियां बटोरी, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया फर्नीचर वाला को भी इस बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। उन्हें ये पुरस्कार अपनी डेब्यू फिल्म जवानी जाने मन के लिए मिला है। आलिया फर्नीचर वाला फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में शामिल हो गई, जिसको पाकर वे काफी खुश हैं। इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। आलिया फर्नीचर वाला ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वह अपने हाथों में फिल्म फेयर पुरस्कार लिए डांस करती दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि आलिया फर्नीचर वाला को फिल्म फेयर के साथ अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना भारी पड़ गया। उन्हें कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रोल कर दिया है, जिसमें एक यूजर ने आलिया फर्नीचर वाला को ट्रोल करते हुए अपने कमेंट में लिखा कि इस पुरस्कार के लिए कितने रुपए दिए हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, कितने का खरीदा है। वहीं एक और यूजर ने अपने कमेंट में लिखा, पुरस्कार खरीदने के लिए मुबारक हो। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बार फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ को मिला। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिवंगत अभिनेता इरफान खान को दिया गया। उन्हें ये पुरस्कार फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए मिला है। इतना ही नहीं, वहीं 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इरफान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया है।